जी 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 बोले मैंने खुद आपने रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ की बातें बड़ी बड़ी करते हैं और बात करते हैं कि इस मुल्क में है नहीं, तो भाई लाएगा कौन? आपकी हुकूमत है, आप लेकर आए जी। आप इम्प्रूवमेंट दिखाएं, लोगों को भी पता चले कि हाँ भाई इन्होंने ये इस तरीके से किया, इसका एहतसाब हो रहा है और ये फाइनल पोस्ट पे है, इसके हियरिंग फाइनल है, उसके कन्वेक्शन के होने के हो रहे हैं, चांसेस हो रहा है, फाइनल हियरिंग हो रही है। ये सारा कुछ तो है ही नहीं ना इस वक्त, सिचुएशन ही नहीं समझ में आती कि क्या हो रहा है। अफरा तफरी का एक वो बना, एक अफरा तफरी का आलम बना हुआ है। आप देखिए कल जो कल हादसा हुआ, आप सोचिए कल जो हुआ है उसमें एक कारकुन चला गया अपनी जान से हाथ धो बैठा, तो अब ये कहा जा रहा है कि जी उसको तो हार्ट अटैक हुआ था जब उसका चेक किया गया। तो मगर आप लोग अगर ऐसा भी क्या चीज थी, ऐसा भी कौन सा था कि अगर थोड़ी सी दूर आगे निकल गए वो, तो क्या आप कंट्रोल नहीं कर सकते थे? क्या आप बात नहीं कर सकते थे? आपको जरूरी था कि आप लाठी चार्ज करें? वहां पे लेडीज भी थी, बहुत सारे बच्चे भी थे, तो आपको ये चीजें करनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी? देखें ये तो पीपी के जो चीफ सीएम साहब वो तो डिनाई कर रहे हैं कि हमारी तरफ से कोई ऑर्डर नहीं था। वो तो यही कह रहे हैं कि हमारी तरफ से ऑर्डर नहीं था, तो फिर इसके पीछे कौन था, किसके कौन अनासर थे जी? और दूसरी बात ये था, एक चीज ये भी थी कि इट्स नॉट अ राइट टाइम कि आप उधर शहर उस दिन नहीं करते। पहला दिन था, शुरुआत हो रही थी PSL की जो भी था उसमें नहीं करते, कुछ थोड़ा कुछ सेटिंग करते, लेकिन जो एक्शन लिया गया वो किसके कहने पे लिया गया वो अभी तक पता नहीं चल रहा। वो अभी तक पता नहीं चला, ये तो बिल्कुल पीपी वाले तो बिल्कुल डिनाई कर रहे हैं इस चीज को कि हमारी तरफ से कोई ऐसे ऑर्डर नहीं थे। नासिर शाह भी ये कह रहा है, आज देखा आपने कि काफी चीजें वो जमात इस्लामी की जो थे धरने में, उन्होंने ये बताया कि भाई ये जो है मेयर के इख्तियारात वापस उसी पोजिशनों पे जा रहे हैं। अब और क्या चीज रह गया उसके बारे में वो बातचीत होगी, या तो बातचीत होती लेकिन वो कल का जो इंसिडेंट वो जो हुआ है वो किसी के कहने पे हुआ है और ऐसा सच कुछ नहीं है। अगर ये यानी मीडिया पे आके बता रहा है, मुराद अली शाह ने भी यही बोला या इसने भी नासिर शाह ने बोला कि ये हमारी तरफ से कोई ऑर्डर्स नहीं थे, तो फिर इसकी जिम्मेदार तो जब भी तो वजारत दाखिला ने इनसे मांगा है कि भाई आप इंक्वायरी में कमीशन में और IG को इसको वो कराए कि भाई आप जवाब दें इसका, कि आपकी को आपने ऑर्डर दिए थे या किसकी तरफ से ऑर्डर आए थे, वो इन्वेस्टिगेशन होगी। तो ओवरऑल जो है ना ये बस इस वक्त जो है ना 90 days वाली जो है ना ये थोड़ा बहुत इसमें नहीं समझ में आती बात ना, बिल्कुल ये कोई डाइजेस्ट नहीं हो रही है क्या आप इतने 90 days में खत्म भी कर दिए और तमाम जिन जो आपके सर्किल में थे उनके एहतसाब भी हो गया, एहतसाब भी हो गया, जो नारा लेकर आए थे, जो आवाज उठा के आए थे, आगे बढ़े थे आप, वो भी आपने सारे काम कर दिए। इसका तो ये मतलब है कि हर चीज मुल्क के हालात बहुत बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रही है, मईशत सही की तरफ जा रही है, मुल्क सही सिम की तरफ जा रहा है। उनके बयानियों से तो आज यही लग रहा था, आम आदमी को इससे कोई नहीं लेना देना है, एक आदमी को है, आम आदमी को उसको रोटी वगैरह उसके तमाम जरूरियात जिंदगी के लिए उसको चलाने के लिए वो चाहिए रोजगार जी। तो ये प्रॉब्लम ये चली आ रही है, जैसे अभी आखिरी में भी मैं एतजाज हसन ने भी यही बात कर रहे थे कि उसने कहा भाई देखिए ये इस तरीके से सिस्टम का कोई वो नहीं है, कोई नहीं है सिस्टम ऐसा चल रहा है इनका कि ये कोई काम कर रहे हो, ये सबके एतराज आते हैं और सबके सवाल यही उठ रहे हैं कि अब तक क्या हुआ है। आप ये देखे ना कि वज़ीर आज़म इमरान खान को तो ये बताना चाहिए था करप्शन खत्म करने में वो इनकी हुकूमत नाकाम रही है, पर उन्होंने कहा कि हम तो 90 दिन में हमने इनको देखना चाहिए कि इनके लेफ्ट और राइट कौन बैठा हुआ है और वो लोग क्या कर रहे हैं, इनको इस वक्त ये देखने की जरूरत है। जो मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में मैंने कहा कि उनको अपने कारकुनों को देखना है, अपने जो काबीना में लोग हैं उनको देखने की जरूरत है, पर पता नहीं वो वज़ीर आज़म इमरान खान को अक्सर लोग कहते भी हैं, हर कोई बोल रहा होता है कि उनको ये देखने की जरूरत है। अब वो कह रहे हैं कि खुद सोचें कि पूरे मुल्क के अंदर यही मशहूर हो रहा है कि करप्शन इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है, माफिया को पकड़ना चाहिए था, चोरों के पीछे लगे रहे, एहतसाब किसी का नहीं हुआ। अभी भी वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि जी हम लोगों ने तो हमारी हुकूमत के दौरान तो हमने 90 दिन का जो वादा किया था उसमें करप्शन खत्म कर दी। अब ये बात देखिए तो कहां तक आप लोग सजाएं भी तो बताएं ना, किसको सजाएं दी और कहां से करप्शन खत्म हुई, मुझे आप ये सवाल तो ये पैदा होता है कि बताएं ना कि महंगाई कहां कम हुई है, किस चीज पे। अभी आज आम आवाम से भी अगर सवाल किया जाए तो आम आवाम भूली गएगी। एक सेकंड और करिए, मैं इनसे भी सवाल जवाब लेती हूं। जी हेलो जी 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 हसन निसार जैसे बदजुबान शख्स ने एक दफा मशवरा दिया था इमरान खान साहब को जी कि ये अगर कुछ भी ना करें सिर्फ अपना मुंह बंद रखें तो इनके आधे मसाइल खत्म हो जाते हैं। आज खान साहब ने वो इतनी फजूलियात बातें की हैं, इससे बड़ी हर्जा सराई हो नहीं सकती
कि एक इखलाकी मुजरम जो है अपनी नाम रियाद रियासत शुगलिया की मिसाल दुनिया की मोहतरम तरीन हस्ती और उनकी बनाई हुई रियासत मदीना से कर रहा है। यकीनन यही मैंने कहा कि देखिए सियासत में हर चीज होती है, सियासत में ऊंच नीच आती है, हर चीज आती है, मगर इस तरह की बात ना किया जाए। जी जी, जिस शख्स को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना नहीं आता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी, वो जिसको वो ये कहना नहीं आता अपनी नाकामियों के ऊपर मलबा डालने के लिए, उसको छुपाने के लिए मजहब का नाम लेकर इस्लाम की तोहिन कर रहा है, इस झूठे शख्स के ऊपर तो ब्लास्फेमी का मुकदमा बनना चाहिए। आज ये अपना फजूलियात कह रहे थे, मुंह से निकाल रहे थे कि 5 साल जो है रियासत मदीना अपना कामयाब नहीं हो सकी, यानी खुदा ना खास्ता आप नबी पाक के ऊपर खुशहाली नहीं आई थी। उन्होंने ये कहा कि खुशहाली नहीं आई थी 5 साल में, कोई खुशहाली नहीं आई थी, उम्मत बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, रियासत नहीं बना सके 5 साल, जैसे 5 साल में रियासत मदीना तो बनी थी मगर उसमें खुशहाली नहीं आई थी, उम्मत बहुत परेशान थी, कहने का मकसद यही था। जी जी जी, हाँ यही था, मैं और आगे ना बढ़ने की वजह भी कानून की है कि खुदा ना खासा आप ये कहना चाहते हैं कि खुदा ना खासा नबी पाक की जो है वो सेइंग थी उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा था। हालत वहाँ पे ये होती थी कि वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई उनके पास मुश्किल के लिए आता था बंदा, तो उस वक्त मुंह से एक लफ्ज ही अपना मुंह से नहीं निकालते थे, तो लोग पूरे घर का सामान उठा के उनके कदमों में निछावर कर देते थे, और जो अपना साहिल होते थे उन सबके मसाइल वहाँ पे हल हो जाते थे। तो ये बदबख्त शख्स कैसे कह सकता है कि 5 साल लोगों के मसाइल हल नहीं हुए, यहाँ रियासत बनने में टाइम लगा, रियासत तो पहले दिन ही बन गई थी जिस दिन नबी पाक ने जो है वहां पे पहला कदम रखा, उसी दिन रियासत बन गई थी, क्योंकि जो उनसे मुंह से निकलता था, जो साहिल के लिए, जो जरूरतमंदों के लिए जो बात होती थी वो मुंह से निकालते थे, तो सैकड़ों जो वहाँ पे अंसार थे वो उनकी मदद को अपना हाजिर हो जाते थे। तो इसलिए मतलब ऐसी बातें करके जो है ना, ये अपने आप को आज भी देखें, कहा चौधरी शुजा साहब ने, वो भी उन्होंने भी वही बात की, उन्होंने कहा जी के अपना ये जो है इमरान खान जो है ये नवाज शरीफ के चक्कर से निकले, झूठ बोलने से निकले, जितने पैसे आपने नवाज शरीफ से लेने थे उससे ज्यादा तो आप उनके खिलाफ केसेस पर खर्च कर चुके हैं, और अपना शुजात ने कहा कि कोई बंदों वाला काम करो, अवाम की फिक्र करो, अगर ऐसा तुमने ना किया तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। चौधरी शुजात ने ये भी कहा कि अगर सियासत में एक दूसरे की टांगे खेलते रहोगे तो उसका अंजाम भी तुम जल्द देख लोगे। तो चौधरी शुजात जो है ये एस्टैब्लिशमेंट का बंदा समझा जाता है जी। तो ये जो आज का उनका बयान था ये एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान के लिए खुला पैगाम था। चौधरी शुजात ने ये भी कहा कि अपोजिशन को अच्छे काम अगर कोई करने के लिए कोई बिल लेके आएगी तो हम अपोजिशन की भी हमायत कर सकते हैं। तो हैरानगी की बात यह है कि ये अपना जो मजहूल शख्स है इसको अकल नहीं आ रही है कि वाम के मसाइल हल करने के बजाय छोटी छोटी बातों में इसने पूरी कौम को जाया हुआ है।